पति करवाता है वेश्याव्रति, परेशान पत्नी ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। बसेड़ी से समाज को कलंकित करने वाली खबर। तहसील क्षेत्र के एक गांव में मानवता को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है। दहेज के लालच में विवाहिता के पति ने आंखों के सामने अनजान व्यक्तियों से पत्नी की इज्जत को तार तार कराया। दो दिन तक लगातार पति अपनी पत्नी की असमत को समाज की भेड़ियों से नुचवाता रहा तथा पैसे वसूलता रहा। हैवानियत की सारी सीमाएं तोड़कर आरोपियों ने गुप्तांग में मिर्च और झंडू बाम लगाकर बेहोश कर दिया। घटना की जानकारी जैसे ही विवाहिता के पियर पक्ष को मिली तो उनके होश उड़ गए। बसेड़ी थाना इलाके की रहने वाली 23 वर्षीय विवाहिता ने बताया कि उसकी शादी 14 जनवरी 2021 को संपन्न हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराली जन दहेज लाने का दबाव बनाने लगे। घटना की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रहने वाले परिजन ससुराल पहुंच गए। परिजनों ने बेटी को साथ लेकर मंगलवार की देर शाम बसेड़ी थाने पहुंचकर घटना से अवगत कराया। दुष्कर्म पीड़िता ने पति समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म पीड़िता का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करा दिया है। आईपीसी की धारा 376D में सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। और पति के कहना है, कल दिनांक एक महिला थी पीड़िता, जिसने थाने पर उपस्थित होकर अपनी भाभी और भाई के साथ एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उसने ये आरोप लगाए थे कि उसकी शादी हुई थी यहाँ तरसुमा में सुलेमान के साथ, और उसने उसके साथ ज़बरदस्ती मारपीट और ये ज़बरदस्ती रेप और अपने यार दोस्तों से भी रेप की घटना उसके साथ की गई है, और जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। श्रीमान सीओ साहब उसकी जाँच कर प्रेम बताएं आप जी, बताओ। 3 लाख रुपया मांगता है और दहेज के सम्मिलन से शादी हुई है। 3 लाख रुपया मैं कैसे दूँ, मेरा भाई है गरीब। क्या करता है दोस्तों के साथ? दोस्तों के साथ गलत काम करवाया था, एक तो 21 तारीख को, एक 20 तारीख को, और झंडू बाम मिर्च बाने लगाई थी 22 तारीख को। अच्छा, हाँ। क्या काम गलत काम किनके साथ कराता है? दोस्तों के साथ कराता है वो। क्या पैसे लेता है वो? 1000 रुपया लेता है, 1000 दोनों दोस्तों से लगवाने। जिला प्रभारी मंत्री का हुआ शानदार स्वागत, जिले के अधिकारियों ने ली समीक्षा बैठक। धौलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय की प्रमुख खबर। राज्य मंत्री गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, स्वतंत्र प्रभार कृषि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग एवं जिला प्रभारी मंत्री भजन लाल जाटव धौलपुर पहुंचे। प्रभारी मंत्री का सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल व SP केशव सिंह शेखावत ने बुके भेंट कर स्वागत किया। जवानों ने दी सलामी। मौके पर अधिकारीगण व जनप्रतिनिधियों सहित अन्य रहे मौजूद। इसके उपरांत जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री भजन लाल जाटव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कोविड वैक्सीनेशन, कोविड की तृतीय लहर की संभावना के चलते तैयारियों का प्रबंधन, मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार घर घर औषधि योजना के माध्यम से प्रत्येक परिवार को 8-8 पौधे उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा कर जिले में 1 लाख से अधिक परिवारों को पौधे उपलब्ध करवाने, वृक्षारोपण, जल जीवन मिशन, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, लंबित प्रकरणों का निस्तारण के संबंध में चर्चा कर दिए आवश्यक निर्देश। बैठक में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल, SP केसर सिंह शेखावत, विधायक बाड़ी गिरिराज सिंह मलिंगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, ADM नरेंद्र वर्मा, DFO कैलाश चंद मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा, CMHO सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जो भी हमारे पास परिवेदन आई हैं उनका निश्चित तौर पर हम लोग है ना 8 से 10 दिन में उनका अपना निस्तारण कर देंगे, और महीने में दूसरा अपना मेरा ये राउंड है, तो निश्चित तौर पर कोरोना महामारी में जिस तरीका से जिले में बेहतरीन प्रबंधन हुआ, सब लोगों ने मिलकर काम किया, और उसके बाद अब थोड़ी छूट मिली है, तो निश्चित तौर पर और विभागों की समीक्षा मीटिंग होंगी, क्योंकि पहले हम लिमिटेड करते थे, अब थोड़ा सा उसको विस्तार से आज मीटिंग रखी है। समीक्षा मीटिंग के हिसाब से हम लोगों ने काम किया, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा और लोगों से आग्रह भी करना चाहूँगा कि जिस तरीका से WHO ने निर्देश दिए हैं कि ये जो थर्ड वेव आ रही हुई डेल्टा के नाम से है, और डेल्टा बड़ा खतरनाक है, 24 घंटे के अंदर उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है, और जो आशंका है वो बच्चों के ऊपर, तो निश्चित तौर पर उसके प्रबंधन के लिए ये हम लोगों ने भी मीटिंग रखी है, और लोगों से भी मैं आग्रह करूँगा कि
मास्क लगाना बहुत अति आवश्यक है। मतलब वैक्सीन लगवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं और मास्क का लगाना बहुत अति आवश्यक है। तो उसी से निश्चित ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम लोग प्रभावित हो पाएंगे। कई लोगों में अभी भी देना चाहूँगा, सरकार भी उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से समय समय पर नगर पालिका जो है और अपना नगर परिषद है उनके माध्यम से प्रचार प्रसार भी चल रहा है कि भाई डरे नहीं, वैक्सीन लगवाएं। अब आपने देखा होगा सेकंड वेव के अंदर जिन्होंने टीके लगवा लिए थे उनको कोई ज़्यादा दिक्कत, मतलब बिल्कुल माइनर सिम्टम्स आए और कोई परेशानी नहीं आई। तो टीका लगवाएं, टीका नहीं लगवाओगे तो कैसे बच पाएंगे। और मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से भी हम लोग अनुरोध करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन हम लोगों को उपलब्ध कराएं जिससे हम जल्दी से जल्दी समय रहते हुए अपने लोगों को बचा सकें। इस समय अध्यापक पदम पचौरी हुए सेवानिवृत्त, साथी शिक्षकों ने दी भावभीनी विदाई। बाड़ी की प्रमुख खबर, कस्बा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज अध्यापक पदम पचौरी के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का शानदार आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्राचार्य हरिओम सिकरवार ने अध्यापक पदम पचौरी के मृदु एवं मिलनसार व्यवहार की तारीफ करते हुए उनके सेवानिवृत्त होने पर उन्हें अगले जीवन की भावभीनी विदाई एवं शुभकामनाएं दी। वरिष्ठ अध्यापक पुष्पेंद्र शर्मा, हरिओम बंसल, शिवशंकर गर्ग, महेश अवस्थी, दिलीप चाहर, राजवीर कौशल, कैलाश बंसल, जय किशन, पूरन सिंह, मालती शर्मा, कुलदीप कौर, रेणु गर्ग आदि ने फूलमाला पहनाकर अध्यापक पदम पचौरी का अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन सतीश चंद अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम के उपरांत अध्यापक साथियों द्वारा सहभोज की व्यवस्था की गई। सोशल मीडिया से प्रभावित होकर युवाओं का रुख सामाजिक कार्यों की तरफ बढ़ रहा है। अब युवा अपना जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर पेड़ लगा रहे हैं। धौलपुर को हरा भरा करने की मुहिम के तहत टीम के धर्मेंद्र सिंह की शादी की सालगिरह को पेड़ लगाकर मनाया। इस मौके पर बाल कल्याण समिति के सदस्य गिरीश गुर्जर एडवोकेट रहे। उन्होंने कहा कि हमको अपनी खुशी के दिन अधिक से अधिक पेड़ लगाकर मनाएं। हल्ला बोल सामाजिक सरोकार टीम के प्रमुख प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि अब हमारे धौलपुर के युवाओं में बदलाव देखने को मिल रहा है। उनका झुकाव अधिकतर सामाजिक कार्यों की तरफ बढ़ रहा है। हल्ला बोल के सह प्रबंधक राजकुमार उर्फ छोटू सिंह ने अपने साथी धर्मेंद्र सिंह को शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जितेंद्र कैन, अभिराज गुर्जर, सोन पाल कपासिया, मनीष वगैरह मौजूद रहे। अतिक्रमण से प्रतिदिन होता है जाम, दुकानदार परेशान। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। कस्बा के पंजाब नेशनल बैंक के पास रोजाना जाम लगने से दुकानदारों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ दुकानदारों ने बताया कि बैंक में पार्किंग की व्यवस्था न होने से ग्राहक अपने वाहनों को सड़क पर आड़े तिरछे खड़े कर जाते हैं, जिससे रोजाना दुकानदारों और वाहन चालकों में कहासुनी भी हो जाती है। साथ ही पैदल चलने वाले राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन ध्यान दें, जाम की समस्या से जनता को राहत दिलवाए। पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत किया वृक्षारोपण, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। श्री रणछोड़ मचकुंड धाम विकास समिति व हल्ला बोल सामाजिक सरोकार टीम से प्रभावित होकर युवाओं का रुख वृक्षारोपण की तरफ बढ़ रहा है। हल्ला बोल सामाजिक सरोकार व श्री रणछोड़ मचकुंड धाम विकास समिति के तत्वाधान में धौलपुर को हरा भरा करने की मुहिम के तहत समिति के मीडिया प्रभारी अशोक शिकरवार के नेतृत्व में राजाखेड़ा क्षेत्र के गाँव परसुआपुरा में युवाओं द्वारा पौधारोपण किया गया। इस मौके पर समिति मीडिया प्रमुख अशोक शिकरवार ने कहा कि आजकल समस्त जिले में पर्यावरण के प्रति युवा वर्ग जागरूक हो रहा है। आने वाले दिनों में धौलपुर में निश्चित ही हरित क्रांति आएगी और धौलपुर की नई पहचान बनेगी। कार्यक्रम में संदीप शिकरवार, हरिओम, बबलू काना, रामू आदि सभी उपस्थित रहे। पेयजल लाइन व पक्की सड़क न होने से परेशान बजरंग कॉलोनी के लोग। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। कस्बे की बजरंग कॉलोनी में पेयजल के लिए लाइन न होने व पक्की सड़क न होने से मोहल्लेवासी बहुत परेशान हैं। मोहल्लेवासी विजय सोनी सबलगढ़ वालों ने कहा कि हमारी कॉलोनी में अधिकतर मकान बन गए हैं, इसके बावजूद ना तो अभी तक पेयजल लाइन डाली है ना ही पक्की सड़क बनी है, जिससे हमें 250 से 300 रुपये खर्च करके टैंकरों के द्वारा पानी खरीदना पड़ता है।
साथ ही सड़क न होने से घरों से निकलने वाला पानी घरों के आसपास ही इकट्ठा हो जाता है, जिससे बीमारियों का खतरा बना रहता है। और बरसात के दिनों में तो घरों के आगे इतनी कीचड़ हो जाती है, जिससे गली से निकलने वाले राहगीरों को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही मोहल्ले के लोगों ने अपनी समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत भी करा दिया है, मगर फिर भी संबंधित अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। हमारे मोहल्ला में नलों की पाइपलाइन नहीं हुई है, अधिकारियों से कई बार मिल चुके हैं, ज्ञापन भी दे चुके हैं, मगर हमारी समस्या कोई भी समाधान नहीं निकला है। और हमें पानी की इतनी किल्लत है कि 250 से लेकर 300 350 तक हमको टैंक मंगाना पड़ रहा है। और कई बार कर्मचारियों से कह देते हैं हाँ कि चलिए तुम्हारे मोहल्ले में हम सर्वे कराएंगे, मगर अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ है। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हमारे सभी बैरंग कॉलोनी वासी एक होकर जलदा विभाग का घेराव करेंगे। 3 माह पूर्व चुराया गया ट्रैक्टर बरामद, धौलपुर की प्रमुख खबर। कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव लोहारी से गत 26 मार्च को चोरी हुआ सोनालिका ट्रैक्टर बिना नंबरी को आज कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हनुमान जी मंदिर के पास के जंगल से बरामद किया। खानपुर मीणा में हुआ SDM राधेश्याम मीणा का स्वागत सम्मान, बाड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड के गांव खानपुर मीणा में उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा का ग्रामवासियों ने साफा पहनाकर स्वागत किया। ग्रामीणों ने बताया कि कोरोना काल में SDM मीणा द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। अब वैक्सीनेशन में बाड़ी उपखंड को जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक नया स्थान दिलाया है। SDM की कार्यप्रणाली की बदौलत ही बाड़ी में लगातार रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस मौके पर उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित करना है और इसका हमको अच्छा परिणाम भी मिला है। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक बाबूलाल मीणा, CBEO रामकुमार मीणा सहित अनेक ग्रामवासी मौजूद रहे। सरकार की नाइंसाफी के खिलाफ पटवारियों ने मांगी इच्छा मृत्यु, धौलपुर जिले की पटवारियों से जुड़ी प्रमुख खबर। राजस्थान पटवार संघ ने वेतन विसंगति को लेकर सरकार के साथ 28 अप्रैल 2018 को हुए समझौते को अब तक लागू नहीं करने से व्यथित होकर प्रदेश भर के सभी पटवारियों ने जरिए उपखंड अधिकारी एवं जिला कलेक्टर के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। पटवार संघ के जिला अध्यक्ष रामनिवास ने बताया कि राजस्थान पटवार संघ एवं सरकार के मध्य वेतन विसंगति को दूर करने हेतु 2018 में समझौता हुआ था, लेकिन सरकार द्वारा उस समझौते को आज तक लागू नहीं किया गया। पटवार संघ 15 जनवरी 2021 से अतिरिक्त पटवार मंडलों का संपूर्ण कार्य बहिष्कार करते हुए आंदोलनरत हैं। सरकार उसके वेतन मान को बढ़ाने की बजाय अन्य मुद्दों पर भटकाने का प्रयास कर रही है। इससे परेशान होकर पटवारियों ने राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की गुहार लगाई। जुआ खेलते हुए 10 जुआरी गिरफ्तार, कब्जे से 42,570 एवं 11 मोबाइल बरामद, धौलपुर शहर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देशन में अपराधियों का धरपकड़ अभियान संपूर्ण जिला क्षेत्र में जारी है। इसके अंतर्गत आज मुखबिर की सूचना पर कचहरी रोड पर जुआ खेलते हुए निहालगंज थाना पुलिस एवं DST की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 10 जुआरियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 42,570 रुपये एवं 11 मोबाइलों को जब्त किया गया है।